स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मौत के वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है, किसी को भी इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों को कुछ जानकारी जरूर है, लेकिन यह सवाल एक राज ही बना हुआ है। हालांकि हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्टडी की है जिसमें मौत के तंत्रिका विज्ञान के बारे में दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। ये स्टडी बर्लिन की चैरिटी यूनिवर्सिटी और ओहायो की सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक जेम्स ड्रेयर की अगुवाई में की है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मरीजों के तंत्रिका तंत्र की बारीक निगरानी की है। इसके लिए उन्होंने उनके परिजनों से पहले ही अनुमति ले ली थी। ये लोग या तो भीषण सड़क हादसों में घायल हुए थे या स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि पशु और मनुष्य दोनों के दिमाग मौत के वक्त एक ही तरीके से काम करते हैं। साथ ही एक ऐसा वक्त भी आता है जब दिमाग के कामकाज की आभासी रूप से बहाली हो सकती है। और इस स्टडी का अंतिम मकसद भी यही था। न सिर्फ मौत के वक्त दिमाग की निगरानी करना इस स्टडी का मकसद था, बल्कि ये समझना कि किसी को उसके जीवन के अंतिम क्षण में मौत से कैसे बचाया जा सकता है, ये भी स्टडी का मकसद था। इन वैज्ञानिकों के रिसर्च से पहले ब्रेन डेथ के बारे में हम जितना जानते हैं, उनमें से ज्यादातर जानकारियां हमें पशुओं पर किए गए एक्सपेरिमेंट से मिली हैं। हम जो चीजें जानते हैं उनमें से ये वाली चीजें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है और इसलिए दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेरेब्रल इस्कीमिया नाम की इस स्थिति में जरूरी रासायनिक अवयव कम हो जाते हैं, जिससे दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये माना जाता है कि दिमाग शांत होने की यह प्रक्रिया इसलिए अमल में आती है क्योंकि भूखे न्यूरॉन अपनी ऊर्जा संरक्षित कर लेते हैं, लेकिन उनका ऊर्जा संरक्षित करना किसी काम नहीं आता क्योंकि उस शरीर की मौत आने ही वाली होती है। सभी अहम आयन दिमागी कोशिकाओं को छोड़कर अलग हो जाते हैं, जिससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आपूर्ति कमजोर पड़ जाती है। यही वह जटिल जैविक रसायन है जो पूरे शरीर में ऊर्जा को स्टोर करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। इसके बाद टिश्यू की रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाती है। ये जानकारियां हम ब्रेन डेथ के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम इंसानों के संबंध में इस प्रक्रिया की ओर गहराई से इस प्रक्रिया को समझना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ मरीजों के दिमाग की न्यूरोलॉजिकल गतिविधियों की निगरानी की। डॉक्टरों की ओर से निर्देश दिए गए थे कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोड स्ट्रिप्स आदि के इस्तेमाल से बेहोशी से वापस लाने की कोशिश न की जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग की कोशिकाएं मौत को टालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग की कोशिकाएं और न्यूरॉन काम कर रहे थे। न्यूरॉन के काम करने की प्रक्रिया यह होती है कि वे आवेशित आयन से खुद को भर लेते हैं और अपने वातावरण के बीच विद्युत असंतुलन बनाते हैं। इससे वे छोटे झटके यानी कि शॉक पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये विद्युत असंतुलन बनाए रखना एक लगातार किया जाने वाला प्रयास होता है। इसके लिए ये कोशिकाएं बहते हुए खून का इस्तेमाल करती हैं और उससे ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा लेती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब शरीर मर जाता है और दिमाग को खून का प्रवाह बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन से वंचित न्यूरॉन उन छोड़ दिए गए संसाधनों को जमा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे फैले बिना पूरे मस्तिष्क में एक साथ होता है। इसे अनडिस्पर्ड डिप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद की स्थिति डीपोलराइजेशन ऑफ डिफ्यूजन कहलाती है, जिसे बोलचाल की भाषा में सेरेब्रल सुनामी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस की वजह से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे खासी मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है और इसके बाद इंसान की मौत हो जाती है।
लेकिन ये अध्ययन कहता है कि मौत जितनी अटल आज है भविष्य में भी वैसी रहे ये जरूरी नहीं है। वैज्ञानिक जेंस ड्रेयर कहते हैं कि एक्सपेंसिव डीपोलराइजेशन से कोशिकाएं परिवर्तन की शुरुआत होती है और उसके बाद मौत हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में मौत का क्षण नहीं है क्योंकि डीपोलराइजेशन को ऊर्जा की आपूर्ति बहाल करके पलटा जा सकता है। हालांकि इसे अमल में लाने के लिए अभी काफी रिसर्च की जरूरत है। वैज्ञानिक ड्रेयर कहते हैं कि मौत की तरह ही यह तंत्रिका संबंधी पहलू एक जटिल घटना है जिससे जुड़े सवालों के जवाब आसान उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। इस चैनल के साथ अभी जुड़ने के लिए इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल का बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।